आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। मन की बात में पीएम मोदी बोले, चोरी हुई मूर्तियों को वापस लाना हमारा दायित्व। हेल्थ वेबिनार में बोले पीएम मोदी, वन इंडिया वन हेल्थ से पूरे देश में मिलेगी एक जैसी स्वास्थ्य सेवाएं। आयुर्वेद की भूमिका पूरी दुनिया मान रही। रांची में 15,000 रुपए में बना रहे 1.2 किलो का ड्रोन, एरोस्पेस बीआरटी मेसरा की छलांग। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे 250 छात्रों का भव्य स्वागत, सिंधिया बोले संकट में फंसे सभी छात्रों को देश वापस लाने तक जारी रहेगा अभियान। कोरोना मामलों में गिरावट जारी, 10,000 पर आया नए केसों का आंकड़ा, 1% पर पहुंची पॉजिटिविटी दर। दिल्ली में हटाए गए कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंध, मेट्रो के लाखों यात्रियों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली के लाखों लोगों को बड़ी राहत, निजी वाहनों में यात्रा के दौरान मास्क न लगाने पर अब नहीं कटेगा चालान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक, सॉरी लिखकर हैकर ने यूक्रेन की सरकार को बिटकॉइन में दान देने का किया ट्वीट। यूक्रेन में तिरंगा बना सुरक्षित रहने की गारंटी, बंकर में मिली है भारतीय छात्रों को पनाह। यूक्रेन से देश वापस लौटे छात्रों ने किया सरकार का धन्यवाद, कहा हमें भारतीय सरकार पर भरोसा था कि वो हमें अपनों से फिर मिला देंगे। प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, बोले हिजाब और शरिया कानून कोड ऑफ कंडक्ट लगातार कर देना चाहिए खत्म। आत्महत्या मामले पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा सुसाइड नोट में नाम होना किसी को दोषी साबित करने का पूर्ण आधार नहीं। लालू यादव के समधी को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, हरियाणा सहित कई राज्यों में वोट बैंक बढ़ाने की चुनौती। कांग्रेस ने महंगाई पर सरकार के खिलाफ बोला हमला, कहा अब चुनाव में लगेगा कड़वे तेल का तड़का। केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले रंजीत कालरा, खेल नीति के लिए उपराज्यपाल का आभार जताया। मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मतदान की अपील। कुंडा में मतदान के बाद बोले रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया इस बार भी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे हम। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती बोली हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बसपा को सत्ता मिलाना है। बुलंदशहर में गोली लगने से महिला की मौत, पति घायल, पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया।
बाराबंकी में दरोगा ने कोतवाली में लगाई फांसी, साथ ही दरोगा के कमरों को बाहर से कर दिया था बंद। औरैया में ट्रक डंपर की भिड़ंत, केबिन काट कर निकाले गए घायल चालक और क्लीनर। गोड्डा में सपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा। लखनऊ नगर निगम का निर्देश, खाली भूखंड पर कूड़ा मिला तो हाउस टैक्स संग भरना होगा जुर्माना। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोले, मुसलमानों ने मुलायम को दी मौलाना की पदवी, उन्होंने मोदी को दे दिया आशीर्वाद। शॉपर स्टॉप पर लगाया 2.5 लाख का जुर्माना, नाले में फेंका था कूड़ा। बीएचयू में शुरू होगी पूर्वांचल की सबसे बड़ी बर्न यूनिट, मऊ गाजीपुर बलिया सहित अन्य राज्यों के मरीज का होगा उपचार। बलिया पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बोले चार चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ। बस्ती में बोले पीएम मोदी, परिवारवादियों ने रक्षा उद्योग को बर्बाद कर दिया, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे। गोरखपुर में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह बोले, योगी की दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरा हुआ विकास का सपना। अमेरिका की तरह होगी यूपी की सड़कें, एक्सप्रेसवे खोलेगा गोरखपुर और पूर्वांचल की तरक्की की राह। रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर पर फंसे पूर्वांचल के छात्र, खुले आसमान में गुजारी पूरी रात। गोरखपुर में बोले अनुराग ठाकुर, गोरखनाथ का ये लाल अपराधियों का बन गया है काल। के सपा उम्मीदवार गुलशन यादव पर हमला, गाड़ी के कांच टूटे, राजा भैया समर्थक पर आरोप, पहुंची पुलिस फोर्स। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गजों ने प्रयागराज परिक्षेत्र में किया मतदान। हाईकोर्ट ने ठगी मामले में एसपी साइबर अपराध बैंक प्रबंधक और शिकायतकर्ता को किया तलब। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि को लेकर युवाओं में जोश, टैटू बनवाने में उमड़ी लोगों की भीड़। गोदामों पर कैमरे रखेंगे नजर, गबन के बाद से पीसीएफ विभाग में सकते। अलीगढ़ में हिंदूवादियों ने राष्ट्रपति को खून से लिखा पत्र, लोगों के साथ हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर दिया संज्ञान। अलीगढ़ में एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली का बयान, छात्राओं को जल्द वापस लाए सरकार, अभिभावकों की बड़ी मुश्किलें। बस्ती में स्टार प्रचारक इमरान ने जनसभा को किया संबोधित, इमरान प्रतापगढ़ी का बयान आया सामने।
राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र ने सपा पर बोला हमला, पूर्वांचल को साधने की हो रही कोशिश। मिर्जापुर में लोकगीत गायिका तृप्ति ने किया नुक्कड़ सभा, तृप्ति शाक्य ने जनता से की वोट की अपील। फतेहपुर में आवारा जानवरों का दिखा आतंक, बुजुर्ग महिला पर सांड ने किया हमला, खेत की तरफ जा रही थी महिला। फतेहपुर में खाकी हुई शर्मसार, चुनावों के बीच पुलिस कर्मचारी हुए निरंकुश, पुलिस कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। पूर्व सीएम निशंक को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली किया तलब, कई तरह की हो रही चर्चाएं। देहरादून राजभवन ने किराएदारी विधेयक पर लगाई मुहर, राज्य में तेजी से आकार लेगा किराएदारी आवास बाजार, गठित होगा किराया प्राधिकरण। देहरादून में सीएयू की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कॉरपोरेट फंड एंड कमेटी वार्षिक आम सभा में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। देहरादून में 25 लाख की लॉटरी का दिया झांसा, ठग लिए पौने 26 लाख रुपए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से की मुलाकात, विभिन्न मसलों पर हुई चर्चा। भाजपा नेता मनवीर सिंह चौहान बोले, फर्जी पोस्टल बैलेट और वीडियो पर माफी मांगे कांग्रेस। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला, लगाया लेट लतीफी का आरोप। देवभूमि में केव सर्किट को यूसेक ने खोजी 60 गुफाएं, सीएम धामी से मुलाकात में यूसेक ने रखा केव सर्किट का खाका। लिविव यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंसे उत्तराखंड के 15 छात्र, कहा एटीएम खाली, पढ़ने वाले हैं खाने के लाले। मसूरी में हुआ हिमपात, देहरादून में बौछारों से बढ़ी ठिठुरन, बर्फबारी से फसलों को हुआ नुकसान। जमरानी बांध परियोजना के लिए दूर हुई बड़ी बाधा, नया जंगल विकसित करने को भूमि चिन्हित। नेपाल चीन सीमा से लगे सीमांत क्षेत्र में संचार व्यवस्था ध्वस्त, सरकारी कामकाज प्रभावित। रुद्रपुर में स्कॉर्पियो सवार युवक पर जानलेवा हमला, 3 नामजद समेत 4 पर केस। वर्षों से बंद जागेश्वर धाम का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। यात्री वाहन अंतर्राज्यीय एवं राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्री वाहन चलाने की तैयारी, अभी केवल परिवहन निगम की बसों का होता है संचालन। पेशावर में बड़ा हादसा, विस्फोटक में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत, अन्य घायल।
का बड़ा दावा, रूस को भारी नुकसान, 14 विमान और 102 टैंक बर्बाद। चीन ने कहा यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान, लेकिन रूस की सुरक्षा चिंता को भी दूर करना जरूरी। अमेरिका में हुक्का पार्लर में गोलीबारी, एक व्यक्ति की मौत, दो की हालत नाजुक। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन संकट के लिए संसद से मांगे 6.4 अरब डॉलर, बाइडेन ने सुरक्षा और आर्थिक मदद पर दिया जोर। जारी भीषण जंग के बीच ब्रिटेन पर बड़ा फैसला, नाटो के पूर्वी मोर्चे पर तैनात की तीनों सेनाएं। दो माह के बाद उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, इस साल कोरिया का है ये 8वां परीक्षण। फेसबुक पर लगाया आंशिक प्रतिबंध, देश में जनता के विरोध का डर सताया। रूस के खिलाफ हुई पूरी दुनिया, जिनपिंग ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, हटाए प्रतिबंध। कब्जे वाले सुमी शहर के बंकर में फंसे 1000 स्टूडेंट, कीव में यूक्रेन आर्मी ने भारतीयों पर बंदूक तानी। सात महीने के सबसे निचले स्तर पर इक्विटी एम कैप, टॉप 10 कंपनियों को कुल 3,33,307.62 करोड़ का हुआ घाटा। यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में खाने का तेल हो सकता है महंगा, बचने के लिए सी तलाश रहा उपाय। LIC का IPO एक और कदम आगे बढ़ा, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। शेयर बाजार पिछले हफ्ते 3% टूटा, विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी। लॉन्ग ट्रैवलर के लिए अच्छी खबर, होंडा लॉन्च करेगी 1100 सीसी इंजन वाली पावरफुल बाइक। भारतीय बाजारों पर नकली सामान बेचने का आरोप, इंडिया मॉल समेत 42 ऑनलाइन 35 बाजारों का स्तर घटिया मिला, चीन के सबसे ज्यादा सामान मिले डुप्लीकेट। LIC में FDI को मंजूरी, LIC के IPO में पैसा लगा सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, 20% FDI को कैबिनेट की मंजूरी मिली। रिटेल स्टोर्स की कमान रिलायंस के हाथों में, 30,000 स्टोर कर्मचारियों को देगी नौकरी। FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, बैंक ऑफ बड़ौदा ने FD पर मिलने वाले ब्याज में की बढ़ोतरी। $2.76 अरब बढ़ा देश का खजाना, गोल्ड रिजर्व में भी हुआ इजाफा। ईशान किशन के साथ श्रीलंकाई बल्लेबाज भी अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर ने दिया भारतीय खिलाड़ी को हेल्थ अपडेट। टीम इंडिया की लगातार 11वीं जीत, दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, घरेलू सरजमी पर लगाया 7वीं सीरीज जीत।
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, अपने घर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाले कप्तान बने। कोहली की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर, छाए खेली टी20 करियर की बेस्ट पारी। भारतीय टीम के बेंच स्ट्रेंथ पर बोले सुनील गावस्कर, टीम में किसी भी खिलाड़ी की जगह सुनिश्चित नहीं। वर्ल्ड कप से पहले स्मृति मंधाना चोटिल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में सिर पर लगी गेंद ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा। हिमाचल ने त्रिपुरा को पारी और 30 से हराया। झारखंड ने दिल्ली को 335 रन का दिया टारगेट, यश धुल 19 रन पर आउट। रोहित शर्मा ने जीत के बाद बताई टीम इंडिया की कमी, श्रेयस नहीं संजू सैमसन ने ज्यादा प्रभावित आए नजर। विराट के 100वें टेस्ट में नहीं होंगे दर्शक, कोरोना के कारण लिया गया फैसला, मोहाली में खेला जाएगा श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला। गावस्कर की रोहित को सलाह, टीम के भले के लिए जल्द बड़ा बदलाव करने की सलाह। यूक्रेन के सपोर्ट में उतरी सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर, व्लादिमीर पुतिन को बताया था नशा। देखिए टू वेब सीरीज में नेगेटिव रोल प्ले करेंगे मियांग चैंग, बोले अनदेखा होगा मेरा दास। मीरा राजपूत ने भाई की शादी में जमकर किया एंजॉय, भाई बहन संग शेयर की खूबसूरत तस्वीर। BFF अनन्या पांडे के साथ डिनर करने पहुंचे सुहाना खान, चर्चा में स्टार किड्स का सुपर बोल्ड लुक। राज अनाथकट कनिका मान ने दुबई में शूट किया म्यूजिक वीडियो, टप्पू और गुटन दिखेंगे रोमांटिक केमिस्ट्री। सलमान खान ने भांजी आयत, भांजे साहिल संग अल्लाह दुहाई, हुड़हुड़ दबंग पर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। गंदी बात फेम नतालिया कोजेनोवा, बोली अगर रूस यूक्रेन वॉर में मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। संजय दत्त बिनोय गांधी की घुड़चढ़ी में नजर आएंगे, फिल्म का शेड्यूल दिल्ली में हो रहा शूट। भूमि पेडनेकर की फिल्म दम लगा के हर्षा के 7 साल पूरे, बोली मैं हमेशा से अव्वल दर्जे के सिनेमा का हिस्सा बनना चाहती थी। राहुल महाजन की पत्नी नतालिया इलना हुई इमोशनल, बोली मैं रशियन भी हूं और यूक्रेनियन भी। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।